जाना है गोवा, जाओ कैसे, पैसे बचाओ कैसे। तो मुझे जाना था पुणे टू गोवा, तो मैंने बाय बस का रूट लिया, तो मेरी टिकट पड़ी 700 के पास। बाद में मैंने रूम किया मापुसा के पास, मतलब अंजुना बीच के पास, ताकि मुझे सब लोकेशन पास पड़े। बाद में मैंने रूम बुक की booking.com से, तो मुझे 1000 rupees पर डे पड़ा फॉर टू पीपल्स, मतलब एक पर्सन के पास 500 rupees। बाद में मैंने स्कूटी रेंट पे की जो 400 rupees पर डे था, और पेट्रोल के मैच 250 rupees अलग दिन के। बाद में हम गए अंजुना मार्केट में, वहाँ पे काफी सारी शॉपिंग की, जैसे शर्ट्स मुझे पड़ रहे थे 300 के अराउंड, मैं बैग्स थे 300-400 के अराउंड, बस अच्छे से बार्गेनिंग कर लेना। बाद में हम आ गए अंजुना बीच पे, और ये बीच पे एक चीज जरूर कर लेना, मतलब वाटर स्पोर्ट, क्योंकि यहाँ पे कम रश होता है और तुम अच्छे से एंजॉय कर पाते हो, तुमको ज्यादा टाइम मिलता है। फिर हम गए हमारे नेक्स्ट लोकेशन पे, मतलब गोवा का मोस्ट ऑथेंटिक सी फूड थाली खाने, जो मुझे 400 के अराउंड पड़ी और एकदम वर्थ थी। इसका नाम जानना है तो मेरे लास्ट वीडियो जरूर देख लेना। बाद में हम गए अपने लास्ट लोकेशन पे, मतलब बागा बीच पे। ये बीच पे रश काफी होता है पर एंजॉय भी उतना ही आता है, और ये बीच पे तरह तरह के कैफे है, रेस्टोरेंट है, ताकि तुम चिल करते हो, पार्टी कर सकते हो। और मुझे फॉलो सब्सक्राइब कर देना, ताकि कोई गोवा का न्यू वीडियो मिस ना हो।